कोरोना से बरवक्त आगाह करने वाली टेक्नोलॉजी की तैयारी पर काम करना शुरू कर दिया गया। इस नए ब्लूटूथ प्रोटोकॉल को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का नाम दिया जा रहा है। गूगल और एप्पल ने ऐलान किया है कि दोनों कंपनीज मिलकर दुनिया भर की हुकूमतों और सेहत के इदारों को कोरोना वायरस के फैलाव की ट्रेनिंग में मदद देंगी और इसके लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों कंपनीज की जानिब से एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या APIs का सेट जारी किया जा रहा है जो एंड्रॉयड और iOS के दरमियान इंटरऑपरेबिलिटी को इनेबल करेगा। आइंदा चंद हफ्तों में एक वसी प्लेटफॉर्म तश्कील दिया जाएगा जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की मदद से वायरस के फैलाव को ट्रैक करेगा और इसके दौरान सारिफीन की प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा। इस नए ब्लूटूथ प्रोटोकॉल को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का नाम दिया जा रहा है जो स्मार्टफोन के जरिए सारिफीन को आगाह करेगा कि वो किसी मुतासरा फर्द से राब्ते में आ रहे हैं। एप्पल की जानिब से जारी वाइट पेपर के मुताबिक डिवाइस में मौजूद ऑन बोर्ड रेडियोस मुख्तसर रेंज पर एक गुमनाम आईडी को ट्रांसमिट करेंगे और सर्वर्स सारिफ की आखिरी 14 दिन की आईडी को दीगर डिवाइसेस से मैच करेंगे। अगर ये मालूम होगा कि सारिफ से राब्ते में रहने वाले दूसरे फर्द में वायरस की तस्दीक हुई है तो उसे नोटिफिकेशन से आगाह किया जाएगा ताकि वो टेस्ट और करंटीना जैसे इकदामात पर अमल कर सके। इस प्रोजेक्ट पर 2 मराहिल में काम किया जाएगा। पहले मरहले में API को मई के वस्त में जारी किया जाएगा जो iOS और एंड्रॉइड एप्स के साथ काम करेगा। दूसरे मरहले में ज्यादा मौसर तरीके को इस्तेमाल करके ऑपरेटिंग सिस्टम की सतह पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी जिसके लिए किसी ऐप की जरूरत नहीं होगी।